हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2021 का सबसे पहला आईपीओ यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IRFC भी बोलते हैं, उसके आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। तो कुछ बेसिक डिटेल्स आईपीओ के बारे में जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, वो हैं कि IRFC का टोटल आईपीओ साइज 4,600 करोड़ है। IRFC आईपीओ जनवरी 18 को ओपन होगा सब्सक्रिप्शन के लिए, और इस आईपीओ में एक इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड रहेगा 25 से 26 रुपये पर शेयर। सिंस इस आईपीओ में एक इक्विटी शेयर का प्राइस बैंड कम है, इसलिए आईपीओ के एक लॉट में नंबर ऑफ शेयर्स 575 हैं। किसी भी आईपीओ में सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग टोटल लॉट साइज की प्राइस 15,000 से कम होनी चाहिए। इसीलिए अगर किसी आईपीओ का इशू प्राइस कम होता है, देन उसका लॉट साइज ज़्यादा कर देते हैं, एंड वाइसा वर्सा। IRFC 2021 का सबसे पहला आईपीओ होने के साथ साथ इस साल का NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर का सबसे पहला आईपीओ है पब्लिक सेक्टर में। जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस आईपीओ के एक लॉट में 575 शेयर्स हैं। अगर हम इस कंपनी के प्रमोटर की बात करें, तो सिंस ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसीलिए इसके प्रमोटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। कुछ और डिटेल्स इस आईपीओ के रिगार्डिंग है, जैसे कि इसका मिनिमम लॉट साइज एक है, जिसमें 575 शेयर्स हैं, एंड आप इस आईपीओ में मैक्सिमम 13 लॉट्स यानी 7,475 शेयर्स ही ले सकते हैं। IRFC आईपीओ पहले 100% ओन था मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के द्वारा, बट आईपीओ के बाद गवर्नमेंट IRFC में केवल 86% का होल्डिंग रखेगी, और बाकी बचा 14% आईपीओ के इशू में यूज होगा। अब IRFC आईपीओ की बेसिक डिटेल्स जानने के बाद हम डिस्कस करते हैं कि IRFC का कंपनी प्रोफाइल कैसा रहेगा। तो दोस्तों, IRFC की स्थापना 1986 में हुई थी, एंड ये होली ओन्ड सब्सिडरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। IRFC का मेन बिजनेस है रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को फाइनेंस करना, एंड IRFC रिस्पॉन्सिबल है फंड्स रेज करना, जिससे कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज रोलिंग स्टॉक एसेट्स खरीदता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि रोलिंग स्टॉक एसेट क्या चीज़ होती है। तो दोस्तों, रोलिंग स्टॉक एसेट हम उसको बोलते हैं, जैसे कि रेलवेज की कैबिन्स, उसके आगे वाला इंजन जो पूरी ट्रेन को पावर देता है, उसके ट्रक्स, इलेक्ट्रिक यूनिट्स एट्सेट्रा। IRFC का लीजिंग मॉडल है, यानी वो अलग अलग कंपनी से ये रोलिंग स्टॉक एसेट रेंट पर लेती है फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स। IRFC कंपनी के बारे में थोड़ा सा जान लेने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि अभी आईपीओ करने के पीछे कंपनी का क्या ऑब्जेक्टिव था। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि IRFC बहुत सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है, एंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि अब उसका थोड़ा सा हिस्सा आईपीओ के थ्रू पब्लिक किया जाए, जिससे उसका एक स्टॉक मार्केट में इक्विटी बेस बन जाए। जो आईपीओ से पैसा रेज करेगी कंपनी, उसको वो कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ के लिए लगाएगी, एंड जो जनरल कॉरपोरेट एक्सपेंस होते हैं, उसकी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगी। तो दोस्तों, अब कंपनी आईपीओ ला तो रही है, बट इसके पीछे कंपनी के स्ट्रेंथ क्या क्या हैं, वो अब डिस्कस करते हैं इस सेक्शन में। IRFC एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करती है इंडियन रेलवेज के ग्रोथ में। इस कंपनी को रेटिंग एजेंसीज जैसे कि क्रिसिल और इकरा, जो कि इंडियन रेटिंग एजेंसीज हैं, उन दोनों से AAA रेटिंग मिली हुई है। इसके साथ साथ IRFC का बोरोइंग कॉस्ट काफ़ी कॉम्पिटिटिव रहा है उसके साथ की कंपनीज के कंपेरिजन में। कंपनी के फाइनेंशियल्स बहुत ही स्ट्रांग हैं, जिसको हम आगे के सेक्शन में डिटेल में कवर करेंगे। और इसके साथ साथ IRFC की मैनेजमेंट काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ रेलवेज का टेस्ट देकर आए हैं, एंड उन्होंने अपनी करियर की स्टार्टिंग से ही इस कंपनी में काम किया है, एंड वो इस कंपनी के ग्रोथ का क्रिटिकल हिस्सा रहे हैं, जिससे कंपनी की एसेट टू लाइबिलिटी का रेशियो काफ़ी अच्छा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर हम बात करते हैं IRFC के आईपीओ के रिगार्डिंग। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे रहे हैं, एंड इस कंपनी ने हमेशा ही कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दिया है पिछले 2 से 3 सालों में। कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है, इवन दो ये अभी तक एक गवर्नमेंट कंपनी थी, एंड आईपीओ के बाद इन फ्यूचर कंपनी के फाइनेंशियल्स और अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पर आते हैं कि आपको इस आईपीओ में सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले वो पॉइंट देखते हैं जो इस आईपीओ को सब्सक्राइब करने के फेवर में है। सबसे पहला एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं,
कि IRFC कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग है। ओवरऑल मार्केट्स भी अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं एंड इससे IPO मार्केट में भी काफ़ी स्ट्रांग मोमेंटम है, जैसा कि हमने 2020 के लास्ट के 3 से 4 महीने में देखा था। 2020 में ऑलमोस्ट सारे IPOs प्रीमियम पर लिस्ट हुए थे एंड अभी मार्केट की कंडीशन को देखते हुए ये लग रहा है कि ये ट्रेंड थोड़े टाइम और कंटिन्यू रह सकता है। बट IPO में सब्सक्राइब करने से पहले आपको इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम पर भी कंसिस्टेंट नज़र रखनी पड़ेगी जब तक IPO क्लोज नहीं हो जाता। अगर इस IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम काफ़ी अच्छा रहा तो आपको इस IPO में ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, एल्स आपको IPO का मैंडेट कैंसिल कर देना चाहिए IPO की क्लोजिंग डेट से पहले। अगर आपको ये टर्म्स काफ़ी मुश्किल लग रहे हैं एंड आपको IPO क्या होता है एंड IPO को डील करने का सबसे अच्छा तरीका जानना है, तो आप मेरी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट वाली वीडियो में डिस्कस किए IPO सेक्शन को एक बार देख सकते हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि IPO में इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है एंड क्यों IPO में प्रॉपर एनालिसिस करके एंटर किया जाए तो ये एक लॉटरी के समान होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा सो दैट फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।